गधा, मगर वह साधारण गधा नहीं था। वह चीते से भी तेज भाग सकता था और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि जब वह रेंगता तब जंगल के सारे जानवर भाग जाते थे। चिमचिम जंगल की सबसे खूबसूरत गधी थी। चिंपू ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन चिमचिम ने शर्त रखी कि जब चिंपू जंगल का राजा बनेगा तभी वह उससे शादी करेगी। चिंपू तब गहरी सोच में पड़ गया। फिर वह जंगल के राजा शेर के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई, पर शेर ने उसे राजा बनाने से इनकार कर दिया। तब चिंपू बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि अब चिमचिम से उसकी शादी कैसे होगी। फिर उसने दिमाग लगाया और सुबह सुबह राजा की गुफा के बाहर जोर जोर से रेंगने लगा। शेर ने अपने कान बंद कर लिए, फिर भी चिंपू की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी और वह परेशान हो गया। और फिर चिंपू को शांत करने के लिए शेर ने उसे जंगल का राजा बना दिया और फिर चिंपू की शादी चिमचिम से हो गई और वह खुशी खुशी साथ रहने लगे।